हावड़ा ब्रिज, दुर्गा पूजा, स्ट्रीट फूड, ना जाने कितनी ही सारी चीजों के लिए कोलकाता फेमस है। पर आज आपका सौरभ भाई रिव्यू करने वाला है कोलकाता से ओरिजिनेट होने वाले एक स्पेशल मिठाई का, रसगुल्ला, जो कोलकाता के हर एक गलियों में, हर एक सड़कों में मतलब सूंघा जाता, पाया जाता। अरे भाई इतना आवाज, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं जस्ट मेन रोड के सामने खड़ा हूँ और मेरे सामने है केसी दास, इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ उसके सामने। तो केसी दास इज द वन प्लेस यू कैन नॉट स्केप मेंशनिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कोलकाता एंड रसगुल्ला, इसलिए मैंने इस आउटलेट को पहले नंबर पे रखा है। नवीन चंद्र दास ऑफ द दास फैमिली इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द स्वीट इन कोलकाता। टुडे केसी दास इज रन बाय हिज ग्रेट ग्रैंडसन धीमन दास। तो भाई देखो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जो नवीन चंद्र दास है, जो उनका एक अलग आउटलेट है, वहाँ पर ही हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ही हम उनके ग्रेट ग्रैंडसन का जो आउटलेट है उस पर विजिट करते हैं और यहाँ का रसगुल्ला ट्राई करते हैं पहले। द प्रॉब्लम विद द रसगुल्ला इनिशियली वाज दैट दे वुड टेस्ट गुड बट दे कुड नॉट बी स्क्वीज्ड। ऐसा कैसे रसगुल्ला हुआ भाई? द टेक्सचर वॉज सच दैट योर फिंगर्स वुड जस्ट ब्रेक थ्रू द रसगुल्ला। नवीन चंद्र दास एडेड एलिमेंट दैट वुड मेक द रसगुल्ला मोर स्पॉन्जी, so that when people are having it, they have the option of squeezing some of the sugar water out. हाँ भाई, हाँ, रसगुल्ला का मतलब होता है उसको स्क्वीज करो, एकदम रस निकालो, उसके बाद रस पान करो उसका। अंदर जाते हैं और पेट पूजा करते हैं रसगुल्ला से। भाई साहब यहाँ तो अलग लेवल का मतलब वैरायटी है रसगुल्ला का, भाई नेक्स्ट लेवल वैरायटी में रसमलाई है, गुड़ का रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, देख के मन करा कि सब खा ले सब। बट यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो भाई यहाँ पर ही पहले बैठते हैं, उसके बाद मस्त ऑर्डर करते हैं। अरे भाई ओह यार, यहाँ का जो चेयर वगैरह, टेबल वगैरह कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये पुराने ज़माने, मतलब ब्रिटिश के ज़माने से यहाँ पर ही रसगुल्ला सर्व करा जा रहा था। पहले ऑर्डर देते हैं, यहाँ पर ही दो रसगुल्ला दे दो एक जगह और दो गुलाब जामुन दे दो एक जगह। तो मैंने भाई दो ठो नॉर्मल रसगुल्ला मंगाया है और दो ठो गुलाब जामुन ऑर्डर करा, क्योंकि भाई मैंने बाहर में बोर्ड देखा था कि इन्होंने गुलाब जामुन को फोकस करा है। अगर ये फोकस करते हैं तो सौरभ भाई के पेट में जाना तो बनता है यार। तो भाई ये अपना आ गया रसगुल्ला जो कि व्हाइट प्लेट, अच्छा सॉरी ये भी व्हाइट है बाउल में यार, और ये भाई गुलाब जामुन। देख के देखो भाई, अगर मैं साइज का बात करूँ तो ये अपने को बहुत ही सही लगा। मैंने इनसे प्राइस पूछने का ट्राई करा बट इन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों। पहले गुलाब जामुन खाए या रसगुल्ला खाए, जो भी है रसगुल्ला खाते हैं, इसको अच्छे से पहले स्क्वीज करते हैं जैसे नवीन चंद्र दास ने बनाया था, वो स्क्वीज करते हैं अपने हिसाब से। अब इसका बाइट लेते हैं। पहले ही बाइट पर हमने को समझ में आ गया कि क्यों इसको इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला बोला गया है केसी दास को। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे इतना ज़्यादा मेसमराइज हुआ हूँ भाई, ये भाई बहुत बहुत टेस्टी है। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस गर्मा गर्म गुलाब जामुन। भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी भी होटल में ऐसे खाया नहीं है कि धुआं निकल रहा है भाई गुलाब जामुन से। गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का अलग ही मज़ा है। ऐसा गुलाब जामुन मैंने अपने शहर में तो नहीं खाया है, और कोलकाता में आता हूँ तो मिठाई विठाई उतना ट्राई करता नहीं, बट ये गुलाब जामुन मुझे जस्टिस कर रहा है जितना ही प्राइस हो भाई। ये हर एक प्राइस, मतलब हर एक पेनी वर्थ इट होने वाला है इसके लिए। तो भाई ये जो सेंट्रल एवेन्यू एस्प्लेनेड वाला जो आउटलेट है, उसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा मतलब मेरे को ब्रिटिश जमाने का लगा है। मतलब जो होता ना रेट्रो रेट्रो लुक है यहाँ पर ही, ऐसा मतलब आपको फील दे रहा है भाई केसी दास बहुत पुराने टाइम का है। यहाँ पर आओ, इसमें इंटीरियर को इन्जॉय कर सकते हो, इनका टेस्ट भाई अलग लेवल पर है। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर आउटलेट में और वहां का रसगुल्ला और गुलाब जामुन ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। इतना मिठाई खाने के बाद सोच रहा हूँ थोड़ा गर्मा गर्म लूची और चना दाल का सेवन कर लिया जाए। ओ भाई, दिस वाज रियली डिलीशियस। तो भाई मैं गया हूँ अपने सेकंड नंबर के स्वीट शॉप में, जो कि है बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक। और भाई मैं इस स्वीट शॉप के बारे में बताया हूँ, मैंने जितनी बार ट्रैवल करा है कोलकाता में भाई, हर एक गली नुक्कड़ खोपचे में आपको इनका आउटलेट दिख जाए, क्योंकि ये अलग लेवल का फेमस है भाई। दिस स्वीट शॉप इज नोन फॉर एक्सक्यूजिट स्वीट सोल्ड बाय बलराम मल्लिक एंड राधा रमन मल्लिक। एक्सक्यूजिट मतलब क्या होता है भाई? पता नहीं, बहुत बहुत टफ इंग्लिश है भाई इसका, आप देखो गूगल कर लेना। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कोलकाता डोंट रिटर्न विदाउट हैविंग रसगुल्ला हेयर। इसीलिए तो भाई मेरा शाम का वापसी का ट्रेन था, ये वाला लाइन पढ़ के मैं यहाँ पर रुक गया और अब यहाँ पर मैं कोलकाता का फेमस रसगुल्ला ट्राई करने वाला हूँ। और क्या लिखा है, दे हैव मेनी आउटलेट, था बहुत पता है, पता है ना आपको मत का। चल भाई यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर रसगुल्ला ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या मौज होता है, क्या जिंदगी होता है अपने सेकंड नंबर के आउटलेट में। दो रसगुल्ला देता और दो गुलाब जामुन देता।
They want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it sucks. In the end zone, that's a TD, we finessing chuck. रसगुल्ला और गुलाब जामुन यहाँ पर आ गया। और भाई इनके यहाँ पर जो स्वीट्स का वैरायटीज़ है वो अपने को भाई मस्त लगा है। तो यहाँ पर अपन रसगुल्ला ट्राई करते हैं। जो चाशनी है वो थोड़ा सा स्क्वीज आउट ऐसे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट कोई नहीं। तो ये है भाई इनका साइज़। भाई ये 15 रुपये के हिसाब से अपने को ठीक लग रहा है। अपने को केसी दास से ज़्यादा अच्छा बलराम मल्लिक का, राधा रमन मल्लिक का लगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर आया हूँ ये लोग मेरे को देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब आते हैं गुलाब जामुन में। तो भाई मैं यहाँ का आपको थोड़ा सीन बताता हूँ, क्योंकि वो लोग भाई अपने को ऐसा देख रहे थे कि मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था। मतलब पूरा खाली स्वीट शॉप, और सौरभ भाई के मुंह में रसगुल्ला और गुलाब जामुन के क्या ही बोल पाएंगे। थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा था। देखो मैं सच बताऊँ तो अपने को जो गुलाब जामुन वो थोड़ा सा स्टेल लगा, मतलब पता नहीं अजीब से एक टेस्ट आ रहा था। और अपने को तो भाई खाते दिमाग घूम गया, भाई ऐसा गुलाब जामुन मैं ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा। बट रसगुल्ला बहुत ज़्यादा अच्छा था, अपने को अभी तक का इनका रसगुल्ला बेस्ट लगा है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड आउटलेट पे, फिर उसके बाद आप लोग को जो भी है जैसा भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने थर्ड नंबर के आउटलेट में, जो कि नवीन चंद्र दास होता का दुकान था, वो होता केसी दास। और जो ओरिजिनल इन्वेंटर है भाई, सामने इन्वेंटर लिखा हुआ है नवीन चंद्र दास, जिन्होंने भाई प्रॉपर इन्वेंट किया था रसगुल्ला। ओनर ऑफ द शॉप इन सो अदर हैज बीन सेलिंग रसगुल्ला सिंस द 19th सेंचुरी से भाई ये बेच रहे हैं। अभी का 21st सेंचुरी चल रहा है ना, मतलब 2 सेंचुरी पास होकर मैं आया हूँ यहाँ पे रसगुल्ला ट्राई करने के लिए। एरास पास बट दे आर अमंग द बेस्ट रसगुल्ला मेकर स्टैंडली फॉर्म इन द सिटी। भाई इन्वेंटर है तो बेस्ट नहीं होंगे तो और क्या होगा, लास्ट होगा। कुछ भी मतलब छाप देता है। वैरायटीज ऑफ रसगुल्ला फाउंडर अच्छा देखते हैं, बट द ऑरेंज फ्लेवर्ड रसगुल्ला आर देयर स्पेशलिटी। ऑरेंज फ्लेवर्ड रसगुल्ला, अब मेरे को समझ गया कि मेरे को क्या लेना है। ऐसे का दो नॉर्मल रसगुल्ला दे दो और ऑरेंज फ्लेवर्ड रसगुल्ला हो जाएगी। तो भाई ये है अपना रसगुल्ला। इस रसगुल्ले का प्राइस है भाई 21 रुपये। ओ हो भाई मैं इसको टच कर रहा हूँ और ये भाई टूटने लग रहा है। पता नहीं भाई इन्वेंटर का रसगुल्ला ऐसा होता है। और सच बताओ इसका जो टेक्सचर, इसका जो क्वालिटी है, जो दो मैंने खाया है जो दो आउटलेट, उनमें से बिल्कुल भी अलग है, प्रॉपर अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये रसगुल्ला लग नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग है भाई। मतलब इसकी जो टेस्ट है, अगर मैं आँख बंद करके इसको खाऊं तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने रसगुल्ला खाया है। अच्छा है बुरा है वो बात का बात है, बट ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब मेरे टेस्ट बढ़ के हिसाब से मैं इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रसगुल्ला खाने को अपने को आदत नहीं है। तो अब भाई इनका गुड़ का रसगुल्ला ट्राई करते हैं। हाँ ये अपने को नॉर्मल रसगुल्ला ऐसा लग रहा है पकड़ने में। इसका जो टेक्सचर है, ऐसा रसगुल्ला के साथ मैं फेमिलियर बहुत हूँ, तो इसको भी ट्राई करते हैं। पहले थोड़ा सा स्क्वीज आउट करते हैं, अब इसको ट्राई कर देखते हैं ये इसका टेस्ट कैसा है। क्योंकि इसका प्राइस कितना था, 51 का दो पीस। आप लोग कमेंट कर बताओ कि एक रसगुल्ला का प्राइस कितना हुआ। ओ भाई, जो इससे पहले वाला रसगुल्ला था उसका टेस्ट मैं अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, वही जो दूसरा रसगुल्ला है ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसका फैमिली बन जाऊँ, मैं इसके साथ जिंदगी बसा लूँ। इतना मतलब अलग लेवल का टेस्टी है गुड़ का रसगुल्ला। मैं भाई 10 out of 10 दूंगा, रेटिंग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बट ये सोचो कि मेरे खाने का जो इमोशंस निकल रहा है वो मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यहाँ का जो गुड़ का रसगुल्ला डेफिनेटली ट्राई करना, ये आप लोग को मजा आ जाएगा। तो भाई गुड़ का रसगुल्ला और जो व्हाइट रसगुल्ला इसको खत्म करते हैं और चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के आउटलेट में, और वहाँ देखते हैं वहाँ पर जिंदगी कैसा होता है यार। तो भाई मैं आ गया अपने फोर्थ नंबर के आउटलेट में, जो कि भाई 115 साल पुराना शॉप है, जो कोलकाता में ओवर द ईयर्स बेचते हुए आ रहा है रसगुल्ला। और उसमें लिखा हुआ है द 115-year-old चितरंजन मिष्ठान भंडार इज अमंग द शॉप्स इन द सिटी दैट आर सर्टिफाइड टू सेल कोलकाता GI टैग्ड रसगुल्ला। भाई अपने को GI टैग्ड रसगुल्ला का मतलब तो पता नहीं, अगर आप लोग को पता है तो नीचे कॉमेंट करके बताना। द गुड थिंग अबाउट द रसगुल्ला चितरंजन इज दैट द टेस्ट हैजंट चेंज एट ऑल ओवर सो मेनी ईयर्स। मतलब 115 साल का जो पहले टेस्ट था वो क्या अभी भी सर्व कर रहे हैं। इट्स मोर देन 100-year-old मिस्टर। हाँ भाई पता है 115 साल का दुकान है, पता है। एनीवन हु हैज हैड द रसगुल्ला इवन 50 इयर्स बैक वुड गेट द सेम टेस्ट। अच्छा ऐसा, ठीक है भाई यहाँ पर टेस्ट करते हैं, देखते हैं 50 साल पुराना कैसे टेस्ट हुआ करता था, इसको खा के पता चल जाएगा। इट्स परफेक्टली स्पॉन्जी बट नॉट क्रम्बली, दे गेट द टेक्सचर जस्ट राइट, इट्स सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड नॉट ओवरली स्वीट। भाई बहुत इतना इंग्लिश तो अपने को पता नहीं है। सीधा जाते हैं रसगुल्ला लेते हैं, टेस्ट करते हैं और सीधा सीधे रिव्यू आप लोग के सामने यहाँ पर रख देते हैं। देख के तो काफी स्पॉन्जी लग रही है, स्टिक से क्यों खा रहा हूँ यार। ओहो इतना सॉफ्ट, मतलब ऐसा लग रहा है भाई मैं रू ही पकड़ रहा हूँ। अभी तक का ये सबसे स्पॉन्जी रसगुल्ला में से एक है। फाइनली आई फाउंड माई रसगुल्ला, जिसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल करा, इतना सैक्रिफाइस करा है। भाई ये 115 साल पुराना जो शॉप है उसने मेरा दिल जीत लिया। भाई क्या टेस्ट है यार,
मतलब क्या ही टेस्ट है, 20 रुपए में इसके लिए 30-35 रुपए देने के रेडी हो। मतलब अगर आप इसका बाइट लोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कॉटन खा रहे हो, सही में रूई खा रहे हो और पूरा छेना भाई। तो भाई अब बचा है अपना आखिरी फिफ्थ वाला जो कि एक कोटस, और यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अब देखते हैं भाई जो चितरंजन मिष्ठान भंडार का जो ये रसगुल्ला है, इसने बार इस लेवल पे कर दिया है। अब मेरे को लग नहीं रहा भाई कोई भी रसगुल्ला इसको कम्पीट कर सकता है। तो चलते भाई मैं और सुमित भाई, देखते हैं क्या ये रसगुल्ला को बीट कर पाएगा कि नहीं। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने फिफ्थ एंड फाइनल आउटलेट में, जिसके लिए अपने को ट्रेन, बस, मेट्रो, कैब, भाई कितना कुछ बदलना पड़ गया और अपना हालत खराब हो गया। बट इस बात का खुशी है कि अपन भाई फाइनल आउटलेट में पहुँच चुके हैं, जो कि है क्या नाम था, कोटल सत्यनारायण, जो कि जादवपुर में है। और यहाँ पर चलते हैं। इसमें भाई एक सीन है, यहाँ पर जो नॉलन गुड़ का रसगुल्ला होता है वो बहुत फेमस है, तो नॉलन गुड़ का रसगुल्ला लेते हैं और नॉर्मल रसगुल्ला लेते हैं। दे ऑल्सो हैव अ खीर फीलिंग इन द सेंटर विच इज कॉल्ड खीरेर गुटी। मतलब ये बोल रहे कि रसगुल्ले के अंदर फीलिंग होता है जो कुछ खीर टाइप का होता है, तो खीरेर गुटी भाई वो भी ट्राई करेंगे। इट्स लाइक अ लिटिल सरप्राइज रसगुल्ला इनसाइड। ओके देखते हैं। द थ्री जनरेशन ओल्ड शॉप इज वेरी फेमस। भाई ये 3 जनरेशन से आ रहा है, मतलब अच्छा है भाई, पुराना है, फेमस है, टेस्टी है, जो भी है। चलते हैं अंदर ले। तो गुड़ का रसगुल्ला, तो नॉर्मल रसगुल्ला दे दीजिए। सब गुड़ गई है, ठीक है, गुड़ का रसगुल्ला दे दीजिए। तो भाई ये पहला कोलकाता का ऐसा शॉप है जिसमें भाई नॉर्मल रसगुल्ला है ही नहीं, सिर्फ नॉलन गुड़ का रसगुल्ला है। तो ट्राई करते हैं कि भाई इतना फेमस रसगुल्ला कि ये लोग नॉर्मल रसगुल्ला रखते ही नहीं। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो साइज है, एक रसगुल्ला 15 रुपए का था और 15 रुपए के हिसाब से अपने को टेक्सचर, अपने को जो इसका शक्ल है वो बहुत गजल हो रहा है। भाई गुड़ का रसगुल्ला अपने में ही नेक्स्ट लेवल होता है। इसका सीन देखो भाई, इसमें जो रस निकल रहा है पूरा रस रसा दे रहा है, इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो भाई अब टेस्ट करते हैं, उसके बाद असली फाइनल आउटपुट आप लोगों के सामने आएगा। बस, ट्रेन, मेट्रो, कैब, बाइक, भाई मैंने जितना स्ट्रगल करा ना, जितना सैक्रिफाइस करा है ना, ये भाई वर्थ इट है। मैं वापस जाने वाला हूँ, 2 पीस एक्स्ट्रा खाने वाला हूँ, इससे अच्छा रसगुल्ला मैंने नहीं खाया भाई। हर बार ऐसा बोल बोल के मैं थक गया हूँ, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, इससे अच्छा गुड़ का रसगुल्ला मैंने नहीं खाया अपने लाइफ में, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अपने मतलब माउथ मेल्टिंग है। अब इसका बाइट लोग आपके मुँह में ऐसे घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 15 रुपये कहाँ चला गया। So guys, now it's time to end this video. अब मैं आपको बताता हूँ मेरा final verdict क्या है। तो अपने को top में लगा है चितरंजन भाई साहब, क्या ही वो लोग रसगुल्ला था, मतलब इतना स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट रसगुल्ला मैंने कभी नहीं खाया और वो नेक्स्ट लेवल पे था। सेकंड पे आता है मेरे लिए कोटल्स का, भाई ये जो गुड़ का रसगुल्ला भाई, मतलब जिंदगी में एक बार तो खाना ही चाहिए आपको, ऐसा रसगुल्ला है यहाँ पर ही। थर्ड पे अपने को लगा बलराम मलिक का, जिसका जो गुलाब जामुन थोड़ा सा स्टेल जैसा लग रहा था उसी का रसगुल्ला अपने को बहुत अच्छा लगा। फोर्थ में आता है केसी दास, वो मतलब अच्छा था, मतलब अपनी जगह, मतलब डिसेंट सा था। और फिफ्थ में आता है नवीन चंद्र दास, जो इन्वेंटर है, वही लास्ट हो गया भाई। देखो क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि उनका जो रसगुल्ला था वो अपने को मतलब मेरा टेस्ट बढ़ गया, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, एक अजीब सा फ्लेवर आ रहा था। बट हाँ, अगर मैं गुड़ का रसगुल्ला का बात करूँ तो नवीन चंद्र दास वन ऑफ द बेस्ट है भाई कोलकाता में। अगर आपको गुड़ का रसगुल्ला खाना है तो वहाँ पर डेफिनेटली जाओ, लगेगा भाई कि हाँ ये इन्वेंटर है। और सेकंड में आया है ये कोटल्स का, अपने गुड़ का रसगुल्ला अच्छा लगा। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो भाई, इतना मीठा खा रहे, डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे सौरभ भाई, सुमित भाई, अरे यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पैसा आएगा तो हम लोग इलाज भी करवा पाएंगे ना। कमेंट वमेंट करो, आप जो करना है करो, बट इंगेजमेंट बढ़ा दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाने चाहिए। अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई साहब बहुत मीठा हो गया यार, बहुत मीठा हो गया।